आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम बाजार की तरह मिलने वाले कुरकुरे केले के चिप्स। केले के चिप्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप आसानी से ढेर सारे केले के चिप्स घर पर ही बना सकते हैं। नॉर्मली केले के चिप्स कच्चे केले से बनाए जाते हैं। दो तरह के केले हमें आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। एक जो नॉर्मली हम सब्जी बनाते हैं, ग्रीन कलर का जो केला होता है, अंदर से बिल्कुल वाइट होता है, उससे आप बना सकते हैं। या फिर जो केरला बनाना बोल के जो हमें केले मिलते हैं, उससे भी हम चिप्स बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। आप आसानी से ढेर सारे चिप्स घर पर ही बना सकते हैं और वो बिल्कुल हेल्दी है। तो चलिए शुरू करेंगे इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। केले के चिप्स बनाने के लिए मैंने केले ले लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से इनको धो के साफ़ कर लिया है और अगला और पिछला इसका स्कन मैंने कट कर लिया है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। आप चाहें तो चाकू की सहायता से इसमें कई जगह स्लिट लगा के, यानी कि लंबी लंबी लाइन लगा के आप हाथों से ही इसका छिलका निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो चाकू से भी इसका छिलका निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अंदर की स्किन हमें बिल्कुल निकालनी है, बाहर का जो छिलका है बस वो ही निकालना है। आप हाथों से अगर निकाल रहे हैं उसको, तो हाथों पर हल्का सा तेल लगा लीजिए तो आसानी से ये निकल जाएंगे। देखिए, केले के छिलके मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल मैंने गरम कर लिया है। तेल अच्छा से गरम होना ज़रूरी है। और मैंने यहाँ स्लाइसर लिया है। केले के चिप्स आप जो कद्दूकस नॉर्मली सबके घर में अवेलेबल होता है, उसी से भी बना सकते हैं, या आई के पोटैटो स्लाइसर मिलता है उससे भी आप बना सकते हैं। कद्दूकस में ही एक जगह पोटैटो जो स्लाइसर दिया हुआ है, आप उसी से बना सकते हैं। केले के चिप्स बिल्कुल डायरेक्ट तेल में ही बनाने होते हैं। देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप आसानी से इसे बना पाएंगे और एक केले से ही ढेर सारे चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल कढ़ाई फुल हो गई है। आप देख पा रहे होंगे एक बार बबल्स इसमें बनेंगे, फिर धीरे धीरे बबल्स कम होते जाएंगे और चिप्स कुरकुरे होते जाएंगे। तो इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तेल यहाँ बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप केले के चिप्स जब बना रहे हैं तो एक बार अच्छे से तेल गरम करके फिर हम मीडियम फ्लेम पर उसे कर देंगे और चिप्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे, इनका कलर हल्का हल्का चेंज होता जाएगा, येलो कलर होता जाएगा। अगर आप केरल में जो बनाना मिलते हैं उससे बना रहे हैं आप, तो उनका कलर बिल्कुल अच्छे से येलो हो जाएगा। अगर जो वाइट बनाना से आप बना रहे हैं, जो अंदर से वाइट होता है, तो उस पर आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। देखिए, मैंने एक चिप्स मैंने निकाल लिया था, उसको ठंडा कर लिया है। इसकी आवाज़ देखिए, आप सुन पा रहे होंगे, एकदम कुरकुरे ये बनकर तैयार हुए हैं। ये बन गए हैं। एक बार बनाना चिप्स बनाने में हमें करीब करीब 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं एक पेपर पर, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और भी चिप्स हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। स्लाइसर को एकदम हमें तेल के ऊपर करना है और अच्छे से डायरेक्ट हमें तेल में ही चिप्स बनाने हैं। बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से। देखिए, इन्हें हम अच्छा कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। केले के चिप्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। 4 से 5 मैंने केले लिए थे। आप देख पा रहे हैं ढेर सारे केले के चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। और देखिए, आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, एकदम कुरकुरे जैसे बाज़ार में मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने केले के चिप्स आसानी से बना लिए हैं। वाओ, आप देख पा रहे होंगे एकदम कुरकुरे हैं ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियो नई आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो आप भी ऐसे ही बनाना चिप्स बना सकते हैं। ढेर सारे बनाना चिप्स आप घर पर बिल्कुल आसानी से, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं।
तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बाज़ार में बहुत सारे चिप्स हमें मिलते हैं जो बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं, तो बिल्कुल हेल्दी आप चिप्स घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाए हैं आप ऐसे ही बना लीजिए। चलिए बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, इन्जॉय कीजिए। चिप्स को बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पे आप इसे शेयर कर सकते हैं और आप भी ढेर सारे चिप्स घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।